दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपकी साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है और पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष समय से पहले गर्मी तेज हो चुकी है। पारा 40 के पार हो चुका है, जिससे जनमानस को गर्मी ने बेहाल कर दिया है। आपको बता दें कि जनपद उन्नाव में मार्च के अंत में ही भीषण गर्मी से लोगों को बेहाल होना पड़ रहा है। दो दिन से लगातार अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। मंगलवार को पारा 40 को पार कर गया है। सुबह से ही लोग चलना शुरू हो जाती है, हालांकि रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, इससे लोगों को राहत मिल जाती है। सोमवार को अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री रहा था, मंगलवार को इसमें इजाफा हुआ और मार्च का अब तक का सर्वाधिक गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 40 डिग्री होने से बाहर निकलने वाले लोगों को तपिश से परेशान होना पड़ा। लू चलने के कारण जूस और कोल्ड ड्रिंक की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। जिला अस्पताल में ठंडे पानी के बूथ ने तीमारदारों को राहत दी। पश्चिम से यानी पछुआ हवा की रफ्तार करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आर्द्रता घटकर 15% रह गई। हालांकि रात में हवा में ठंडक होने से राहत महसूस की गई। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा। 24 घंटे में इसमें 1 डिग्री की गिरावट देखी गई। मौसम विभाग के उत्तर प्रदेश निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि गर्मी अब तेजी से बढ़ेगी। अप्रैल में गर्मी अधिक होगी, लेकिन सामान्य से 6 डिग्री तापमान अधिक होते ही मौसम में परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। अब बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हुए सक्रिय। ट्रामा सेंटर का होगा, उन्नाव के ट्रामा सेंटर होगा अब हाईटेक। बड़ी खबर उन्नाव से। राजधानी लखनऊ और महानगर कानपुर सहित 5 जनपदों के बीच बसे उन्नाव में हाईवे एक्सप्रेसवे सहित अन्य जिलों मार्गों का संजाल है। हाईवे पर रोजाना औसतन 4 दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रामा सेंटर का संचालन न होने से अच्छे इलाज के अभाव से घायलों की मौत हो जाती है। इसे गंभीरता से लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्नाव के ट्रामा सेंटर को हाईटेक उपकरणों से लैस कराने और पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कराने की बात कही है। जिले में ट्रामा सेंटर बनने के 7 वर्ष बाद भी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। गंभीर घायलों व बीमारों को लखनऊ ट्रामा सेंटर या कानपुर हेलेट रिफर करने की मजबूरी होती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दुर्घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाने के लिए वर्ष 2007 में ट्रामा सेंटर के लिए प्रयास शुरू किए। तब वह जिले के सांसद थे। उनकी तमाम कोशिशों के बाद वर्ष 2016 में 120.83 लाख रुपए की लागत से ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो गया, लेकिन डॉक्टरों की तैनाती न होने के कारण इलाज की सुविधा नहीं मिल पाई। अब ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो उन्होंने लोगों को ट्रामा सेंटर के संचालन की उम्मीद जगाई है। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कोरोना महामारी में भी प्रदेश सरकार ने सबसे बेहतर काम करके दिखाया। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। ट्रामा सेंटर में ये सुविधाएं जरूरी हैं। पर्याप्त दवाएं, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर, वर्किंग ऑपरेशन थिएटर
क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, ट्रांसपोर्टेबल वेंटिलेटर, सीसी स्कैन प्लस स्टोरेज यूनिट, पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन, पैथोलॉजी, इको कार्डियोग्राफी, ईसीजी और स्पाइन बोर्ड जैसी सुविधाएं होनी बहुत ज़रूरी हैं। वेंटिलेटर तो 6 हैं, चालू कोई भी नहीं है। ट्रामा सेंटर में 3 साल पहले 6 वेंटिलेटर आए थे, उन्हें आईसीयू में लगाया जाना था ताकि गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सके, लेकिन डॉक्टरों का प्रशिक्षण ना होने और स्टरलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई शुरू ना होने से वह प्रयोग में नहीं आ पाए। सीएमएस डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि ट्रामा सेंटर क्रियाशील है, कुछ संसाधनों और स्टाफ की कमी के कारण गंभीर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र भेजा गया है, जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। स्टाफ स्वीकृत पद तैनात, सर्जन 2 हैं, निश्चेतक 21 हैं, आस्थ विशेषक 22 हैं, ईएमओ 3 हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व में किए इस तरह के प्रयास, आपको बता दें 2007 में सांसद रहते हुए ब्रजेश पाठक ने केंद्र सरकार को जिले की स्थिति बताते हुए यहां ट्रामा सेंटर व जिला अस्पताल को अपग्रेड करने की मांग की। एनआरएचएम के तहत कुछ काम भी हुए। 2008 में उन्होंने केंद्र सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर जिले में ट्रामा सेंटर स्थापित करने की मांग की। 9 जनवरी 2013 को तत्कालीन राज्यसभा सदस्य व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति के चेयरमैन रहते हुए ब्रजेश पाठक ने तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को दुर्घटना बाहुल उन्नाव की स्थिति से अवगत करा ट्रामा सेंटर और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग की। 2014 में उनकी कोशिश सफल हुई, 120.83 लाख की लागत से ट्रामा सेंटर को मंजूरी मिली और निर्माण की शुरुआत भी हो गई। वर्ष 2016 में ट्रामा सेंटर का भवन तैयार हो गया, लेकिन उपकरण और स्टाफ के अभाव में ताला बंद रहा। वर्ष 2018 में हड्डी के डॉक्टरों को तैनात कर ट्रामा सेंटर के संचालन की औपचारिकता निभाई गई। वर्ष 2020 में कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो ट्रामा सेंटर को आइसोलेशन वार्ड के रूप में प्रयोग किया गया। वर्ष में औसतन कितने होते हैं हादसे और कितने लोग होते हैं घायल, आपको बता दें वर्ष 2020 में 671 हादसे हुए, जिसमें 408 लोगों की मौत हो गई जबकि 444 लोग घायल हुए। वर्ष 2021 में हादसों की संख्या 844 हुई जबकि मृतकों की संख्या 515 हुई, घायलों की संख्या 568। 2022 में 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच 169 हादसे हुए, जिसमें 108 लोगों की मौत हो गई जबकि 109 लोग घायल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। वकीलों ने जाम लगाया, हड़ताल की दी धमकी, खबर सफीपुर उन्नाव से। आपको बता दें फौजदारी मामलों के सम्मन ट्रायल ही सफीपुर मुसी कोर्ट में चलाने की जानकारी हुई तो सफीपुर के वकील आक्रोशित हो गए, तहसील बार एसोसिएशन की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक उन्नाव हरदोई मार्ग पर जाम लगाया, आधे मुकदमे कहीं और आधे मुकदमे की दूसरी जगह सुनवाई होने की बात पर हड़ताल का ऐलान कर दिया। सभीपुर तहसील के अधिवक्ताओं ने तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णकांत कनौजिया की अगुवाई में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया,
इसके बाद विरोध प्रदर्शन कर मंगलवार सुबह करीब 11 बजे उन्नाव हरदोई मार्ग पर जाम लगाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और अधिवक्ताओं से बात कर जाम खुलवाया। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में जूनियर डिवीजन सिविल जज भुवन कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम राम सकल मौर्य को ज्ञापन देकर बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि आधे मुकदमों की सुनवाई जिला मुख्यालय में और आधे की सभीपुर में होने से परेशानी होगी। कहा कि जब तक ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान महामंत्री हरिप्रकाश कुशवाहा, अधिवक्ता आपता भैदर, ज्ञान शंकर शुक्ल, विपिन सिंह, दीपक गौड़, भजन गुप्ता, कृष्ण कुमार शुक्ला, ब्रजकिशोर कुशवाहा, प्रशांत त्रिपाठी, सुषमा सिंह, उमेश कश्यप सहित काफी अधिवक्ता शामिल रहे। उन्नाव हरदोई मार्ग पर अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस 10 मिनट फंसी रही। 108 एम्बुलेंस घायल मरीज को ले जा रही थी। एम्बुलेंस का सायरन सुन जाम खुलवाने आई पुलिस ने अधिवक्ताओं को हटाकर एम्बुलेंस निकलवाई। फौजदारी के मुकदमे उन्नाव सीजीएम कोर्ट से सभी मुसीब कोर्ट स्थानांतरित करने के विरोध में उन्नाव बार एसोसिएशन की हड़ताल 8वें दिन जिला जज से वार्ता के बाद समाप्त हो गई। उन्होंने फौजदारी के सम्मन ट्रायल ही सभी मुसीब कोर्ट में चलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद बार एसोसिएशन सदन की बैठक में हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। सभीपुर कोतवाली से संबंधित फौजदारी के सभी मुकदमे उन्नाव जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय से सभीपुर मुसीब सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट स्थानांतरित किए जाने से नाराज अधिवक्ता उन्नाव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश शुक्ला व अन्य पदाधिकारियों की अगुवाई में कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन कर रहे थे। मंगलवार को भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। जिला जज हरवीर सिंह के बुलावे पर उन्नाव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश शुक्ला की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल में शामिल महामंत्री ब्रजेंद्र कुमार शुक्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पांडे, पूर्व अध्यक्ष गिरीश मिश्र, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, कमलेश सिंह सिसोदिया, राकेश प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिवक्ताओं ने जिला जज एडीजे प्रथम एहसानुल्ला खान, एडीजे द्वितीय आदन यादव और सीजीएम विराट श्रीवास्तव से वार्ता की। तय हुआ कि अब सभीपुर कोतवाली से संबंधित फौजदारी के सभी बात सभीपुर मुसीक कोर्ट में न जाकर केवल फौजदारी के संबंध ट्रायल के मामले ही वहां सुने जाएंगे। शेष वारंट ट्रायल के मामले की सुनवाई उन्नाव मुख्यालय स्थित अदालतों में ही होगी। इस पर वकीलों ने हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। बड़ी खबर सभीपुर से एक और। मकान में स्लेब डालने को लेकर मना करने पर मामूली विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में जम कर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को स्थानीय सीएससी में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के शाहबाद मजरा फाजिलपुर गांव में अजेंद्र सिंह पुत्र मलखान सिंह अपना मकान बनवा रहे थे। मंगलवार को स्लेब पड़ने जा रही थी। वहीं पड़ोस में रहने वाले अमरेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह पुत्रगण कल्लू सिंह ने स्लेब डालने का विरोध किया। दोनों पक्षों की मामूली कहासुनी में गाली गलौज तूल पकड़ रहा था। अमरेंद्र ने शराब के नशे में मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद ज्ञानेंद्र व अन्य साथियों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। दोनों पक्षों से चले लाठी डंडों में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को स्थानीय सीएससी में भर्ती करवाया, जहां से 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या बोले पीड़ित परिवार के लोग आपको बताते हैं। पीड़ित घायल अजय सिंह व उनकी पत्नी अनीता सिंह ने बताया कि मेहनत मजदूरी
करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसी में कुछ जमा पूंजी एकत्र की है, उसी से मकान बनवाना शुरू किया है। पड़ोसी अमरेंद्र व उसका परिवार बिना किसी बात के खुंडस मानता है, आए दिन शराब के नशे में गाली गलौज करता रहता है। आज मकान में स्लेब पड़ रही थी, अचानक आकर गाली गलौज करने लगा। जब मना किया गया तो लाठी डंडों से हमला बोलकर घायल कर दिया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर पर घायलों का मेडिकल परीक्षण कराकर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। खबर बांगरमऊ उन्नाव से। गंगा कट्टी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कट्टी अकबरपुर सेंग के मजरा धन्नापुर में आज अचानक अज्ञात कारणों से फूस के बंगले में आग लग गई, जिससे बंगले में रखा 10,000 रुपये नगद तथा पंपिंग सेट सहित करीब 50,000 रुपये का कीमती सामान व गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आकर पड़ोसी खेत में खड़ी करीब 6 बिस्वा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। ग्राम कटरी अकबरपुर सेंग के मजरा धन्नापुरवा निवासी रघुवीर पुत्र मिश्री लाल कुशवाहा अरसे से अपने खेत में फूस का बंगला डालकर उसी में परिवार सहित रहते चले आ रहे हैं। खेत में ही पिपरमिंट के दो बॉयलर भी लगाए हुए हैं। आज रघुवीर अपने खेत में काम कर रहा था, तभी प्रातः करीब 11 बजे अचानक अज्ञात कारणों से बंगले में आग लग गई। आग की ऊंची लपटें देखकर ग्रामीण दौड़े और फायर ब्रिगेड स्टेशन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के ने ग्रामीणों की सहायता से पानी की बौछार कर किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक प्रचंड आग ने बंगले में रखी 10,000 रुपये की नकदी के अलावा चारपाई, बिस्तर, खाना बनाने के बर्तन तथा पंपिंग सेट आदि गृहस्थी का सामान जलकर स्वाहा हो गया। आग ने पड़ोसी ग्राम लोकैयापुरवा निवासी शिषपाल के बटाई खेत को भी चपेट में ले लिया, जिससे करीब 6 बिस्वा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। घटना की सूचना पर ग्राम प्रधान जितेंद्र यादव द्वारा राजस्व कर्मियों को सूचना दी गई। रिपोर्ट जमीर खान। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबर।